फूका है, खुद पे भरोसा हो, खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 31 जुलाई दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखें, सूर्य भगवान आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, सोच का व्यक्ति बड़ी से बड़ी आसानी को हराने में सक्षम होता है। और आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से घबरा कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, परंतु सकारात्मक दृष्टि का व्यक्ति ऐसे में बहुत ही चुनौतियों से मत देखकर मंजिल को प्राप्त करता है। कहते हैं सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, लेकिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति अपनी तकदीर मेहनत से बनाते हैं। आचार्य चाणक्य जी के अनुसार जो व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचता है वह बहुत ही मेहनती होता है। सफल व्यक्ति मेहनत करना कभी नहीं छोड़ पाता और भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, उन्हें सफलता कभी नहीं मिलती। निष्कर्षता इंसान को सफलता कोसों दूर रखती है, लेकिन जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं, अपने कार्यों को लेकर तत्परता दिखाते हैं, वह व्यक्ति जरूर सफलता की ऊंचाई को छूते हैं। अगर जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और कार्य क्षेत्रों में सभी के साथ अच्छे संबंध स्थापित बनाएंगे। और एक शानदार कला है, हर किसी के अंदर एक शानदार कला नहीं होती, लेकिन जिसके पास होती है वह सफल माना जाता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि जिस क्षेत्र में अपना कार्य सिक्का जमाना चाहते हैं आपको उस क्षेत्र में लोगों से अच्छे से स्थापित करने चाहिए। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाचांग के बारे में। पाचांग 31 जुलाई दिन चल रहा है, रविवार तिथि चल रही है, छठे नक्षत्र चल रहा है, वर्णी ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:36 पर और सूर्यास्त होगा 7:48 पर। आज का शुभ समय 10:08 से 12:26 तक। आज का अशुभ समय 12:01 से 1:38 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 7 है और भाग्यशाली दिशा उत्तर है और भाग्यशाली रंग सफेद है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि कार्य क्षेत्र में नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, शत्रुओं को हानि होगी, छात्राओं की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी और यात्राओं में लाभ होगा। परिवार में आज आपको जिस तरह का सहयोग चाहिए उस तरह की सहयोग रहेगा और इस दिन अतः आप सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश होने जा रहे हैं, जबकि आपकी राशि चल बुध ग्रह। इन स्थितियों में आपकी बुद्धि कुछ उल्टी सीधी काम करेगी, ऐसे में मन छोड़े नियंत्रण रखने का प्रयास करें और सगे संबंधित आपके संबंध मधुर होंगे। ढीले पड़े कुछ रिश्तों में बहुत प्यार स्नेह मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का समर्थन सम्मान प्रभाव प्रतिष्ठा मिलेगी और प्रताप और धार्मिक कार्यों में दान पुण्य के कामों में रुचि रहेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, प्रेम प्रसंग दबते जीवन में मधुरता रहेगी और पारिवारिक संग किसी यात्रा पर निकल सकते हैं, विशेष कार्य पूर्ण होंगे। दुर्गा माता की रहकर पूजा अर्चना करें। मित्रों आज का दिन आपके लिए महान पुरुषों से मिलने की मिलजोल भावना होगी और नए कार्य शुरू करने से पहले एक तकनीक विचार के उपरांत किसी निर्णय लें, आप कम समय में कामयाब होंगे और क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और पुरुषाचार शक्ति बढ़ी हुई चल रही है। घर के पुराने लटके हुए कार्यों को बना लेने का मौका रहेगा और कार्यों में सफलता मान सम्मान के वृद्धि के योग बनेंगे। अक्षमित उलट फेर में आपको लाभ मिलेगा। भाग्य आज का दिन आप साथ देने में बेताब है, कर्म करते जाओ और सब कुछ तकदीर के ऊपर छोड़ दो। और कार्य क्षेत्रों में आज का दिन मिला जुला साबित रहेगा और पारिवारिक स्थितियाँ तनावपूर्ण माहौल होगा और आपके मन में बहुत सी बातों को लेकर चिंताएं लगी
लगी रहेंगी और आप बेचैनी का अनुभव करेंगी। बाड़ी को नियंत्रण बनाए रखें। आज किसी वाहन को मांग कर न चलाएं। स्वास्थ्य घुटने में दर्द या महसूस कर सकते हैं और स्वास्थ्य का कुछ ध्यान रखें। का दिन उतार चढ़ाव वाला होगा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन किसी आर्थिक नुकसान या पेमेंट अटक जाने के कारण हो सकते हैं और आवश्यकता से उधार लेकर कोई कारोबार न करें। परिश्रम अत्यंत जागृत रहेगा और नौकरी पेशा वर्गों में लोगों का आज का दिन बॉस से न उलझे। टारगेट पूरे नहीं होंगे, इसके कारण मानसिक तनाव आ सकता है। पारिवारिक तनाव होगा और कुछ आपको असर करेगा। दफ्तर जीवन में शांति व मनमुटाव की स्थिति रहेगी और आप माता पिता के स्वास्थ्य संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है। पति पत्नी स्वास्थ्य संबंधित कुछ महसूस करेंगे। ज़्यादा तनाव, ब्लड प्रेशर घट बढ़ सकता है और तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन मंगलमय रहेगा। हालांकि आज के आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। लोगों के सामने आपकी चिंताएं विकसित रहेंगी और अपनी बाड़ी को मधुरता बनाए रखें। आपकी राशि में बना विद्युत योग आपके लिए सुफलदायक रहेगा, लेकिन क्रोध पर काबू रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का समर्थन मिलेगा और प्रोत्साहन रहेगा जो आपको मजबूत बनाएगा। पारिवारिक जीवन में तालमेल व आनंद रहेगा। भाई बहनों का सहयोग रहेगा और आनंदित रहेंगे। आर्थिक मामलों में खबर आनंदित होगी, लेकिन शुभ कार्यों पर व्यय अपने धन आगमन प्रसन्न होंगे। पारिवारिक वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और सलाह अपने छोटे सहकर्मियों की तालमेल की बजाय रखना होगा। आज का दिन लाभकारक रहेगा। कार्यों में व्यवहार जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। नए प्रोजेक्ट पर भी कुछ काम शुरू हो सकता है। जमीन जायदाद के मामले में आज का दिन पारिवारिक आसपास कुछ लोगों को परेशानी पैदा कोशिश करेंगे और खर्च और कर्ज के चिंताओं के कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आज तुला राशि वाले लाभ इनकम बढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे और कुछ हद तक सफल हो सकेंगे। माता पिता जीवन साथी के साथ पूरा संयुक्त रहेगा और तुला राशि वाले पारिवारिक जीवन में खुशियाँ सिलसिला बरकरार रहने वाली हैं। संतान की सफलता, खुशियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। तुला राशि वाले रिश्ते में प्यार स्नेह दबते जीवन में मधुरता रहेगी और काफ़ी बेहतर रहने की संभावना है। जीवन साथी के साथ कार्य क्षेत्रों में उत्तम रहेगा और सफलता प्रजंत इजाफा होगी। तुला राशि कार्य क्षेत्र उत्तम रहेंगे और मगर परिणाम उम्मीद से कम मिलने के साकेत रहेंगे, लेकिन अपनी निराशा को अपने जीवन में कतई स्थान न दें, क्योंकि इस समय आपकी मित्र समत्र उत्पन्न रहेगी और सेहत का मामला रहने के उत्तम रहेगा। आप मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों।